सत श्री अकाल जी, सारिआं नूं स्वागत है अज दे इस नवें वीडियो विच। सो रीसेंट डिवेलपमेंट लैके तुहाडे सामने आंदे रहिंदा है। सो कोशिश रहिंदी है कि कोई नवीं इनफॉर्मेशन जो भी आए तुहाडे तक जिहड़ी आ उह लिआंदी जावे, तां कि बच्चिआं नूं टाइमली कोई जो अपडेट आंदी हाई कमिशन वल्लों उह जिहड़ी पहुँचदी होवे। सो अज आपां गल करांगे कैनेडा दे उप्पर, क्योंकि कैनेडा दी जो रीसेंट डिवेलपमेंट होईआं ने स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन दे प्रोसैस दे विच, कुछ चेंजेस लैके आया कैनेडा। सो उहनूं आपां डिस्कस करांगे थोड़ा जिहा डिटेल दे विच। सो बाकी वी एफ एस दी गल नूं वी कंटिन्यू करांगे कि हुण चीज़ां काफ़ी क्लीयर हो गईआं ने इस चीज़ नूं लैके। सो इह वी डिस्कस करांगे कि कि बच्चे आ जिन्हां नूं रिस्क रह सकता है इस एप्लीके इस प्रोसैस के थ्रू वीज़ा लाने दे विच, क्योंकि ये प्रोसैस दो स्टेज होएगा जिहड़ा तुहाडे नाल मैं शेयर करांगा। तो एंड दे विच आपां जिहड़ियां ने किहड़े बच्चियां नूं रिस्क रह जाएगा कि इन्हां विच इस विच लॉस ना होवे, किहड़े बच्चे जिहड़े अवॉइड करने इहो जिहियां चीज़ां नूं, सो वी आपां लास्ट दे विच डिस्कस करांगे। सो शुरू करदे हां अज दी इस वीडियो। सो दोस्तों, तुहाडे तक जो अपडेट पहुँच चुकी होएगी कि कैनेडियन हाई कमीशन ने जो वीज़ा प्रोसैस है, जो टैंपरेरी वीज़ा प्रोसैस है, उन्होंने जिहड़ा आपां गल करदे स्टूडेंट वीज़ा की गल कर रहे हैं, सो उहदे विच दो नवीं डिवेलपमेंट दित्तियां ने। एक पहली डिवेलपमेंट की है कि जिन्हों के केस लगे हुए हैं तो एप्लीकेशन कंप्लीट है। सो कंप्लीट एप्लीकेशन मीन टू से कि तुहाडे बायोमैट्रिक हो गए सीगे, सारा कुछ डन सीगा। एक वो एप्लीकेशन आपां कंप्लीट एप्लीकेशन काउंट करांगे जिहदे विच तुहाडे एंड तो सारी रिक्वायरमेंट जिहड़ी है फुलफिल कर दित्ती गई है, तुहाडा रिजल्ट पेंडिंग है। सो उहदे विच उन्होंने क्लीयर करता है कि स्टूडेंट वीज़ा परमिट जिहड़े होणगे, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन ने उन्हां नूं वो प्रायोरिटी देणगे, ते जो भी रिजल्ट आने वाले टाइम दे विच आणगे उह स्टूडेंट वीज़ा दे जिहड़े बहुत फास्ट हो जाणगे। सो जिन्हां दोस्तां दीआं फाइल्स लग्गियां होईआं ने, कोई फैब तो रिजल्ट की वेट कर रहा, किसी की मार्च च बायोमैट्रिक हो गए सीगे, मार्च तो बाद चलो किसी के बायोमैट्रिक नहीं हुए, सो वो वाले जिहड़े बच्चे ने उन्हां वास्ते अच्छी न्यूज़ आ कि हुण उन्हां दे रिजल्ट जिहड़े फाइनली आ उह स्पीड अप हो जाणगे। काफ़ी टाइम तो न्यूज़ पहलां भी आई सी कि उन्हां रिजल्ट तेज़ कीते ने, बट एक्चुअल च रिजल्ट जिहड़े ने उह बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं हुए सीगे। सो हुण प्रायोरिटी उन्होंने देणगे स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन नूं, ते जिन्हां दोस्तों की एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोसैसिंग हैगी है कंप्लीट एप्लीकेशन मान मीन टू से कि बायोमैट्रिक जिन्हां दे हो चुके हैं उन्हां दे रिजल्ट भी जिहड़े प्रॉपर रिजल्ट जिहड़े जिदा पहलां आंदे सी ऑनलाइन अप्रूवल वह जिहड़ियां आनियां स्टार्ट हो जाएंगे। सो दूजी डिवेलपमेंट की है कि जिहड़ी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन आपां लगाने सीगे उन्हूं उन्होंने टैंपरेरी दो स्टेज प्रोसैस करता होया। सो टैंपरेरी है, इहनूं तुसीं परमानेंट ना काउंट करो कि हमेशा इदां होना। कोविड 19 की सिचुएशन का करके जो आपां नूं पता वी एफ एस खुलण का कुछ पता नहीं चल रहा, तो बच्चे जिन्हां दे बायोमैट्रिक होने वाले ने जिन्हां दा सितंबर इनटेक मिस हुंदा दिख रहा सीगा, उहदे वास्ते हाई कमीशन ने बहुत अच्छा एफर्ट किया है। सो हुण तुसीं जदों भी नवीं फाइल लगाओगे, कोई भी एप्लीकेशन लगाने हो, तो तुहानूं जिहड़ा है नॉर्मल जिदा तुसीं कंडीशनां पूरी करदे हो उदां पूरी करके ऑनलाइन फाइल लगाओगे, सारा कुछ होएगा, जी आई सी फीसिस वगैरह करके तुसीं प्रॉपर डॉकूमेंट जिहड़ा उन्होंने प्रोवाइड करोगे। सो पहली जिहड़ी आ अप्रूवल इन प्रिंसीपल जिहनूं आपां ए आई पी कह दिंदे आ, सो ये चीज़ां न्यूजीलैंड पहलां चलदियां सी, जिहड़े बच्चे न्यूजीलैंड दे प्रोसैस तो उन्होंने पता कि पहलां उन्हां दी अप्रूवल आ जांदी सी। सो अप्रूवल इन प्रिंसीपल जिहड़ा इही कैनेडा ने सिस्टम टैंपरेरी शुरू कीता, इस चीज़ नूं नोट करना, सिर्फ इह सितंबर वास्ते आ। जिहड़े बच्चे 15 सितंबर तो पहलां तक फाइल लगाएंगे तो ऑनलाइन क्लासिस करन नूं रेडी ने, इह उन्हां बच्चों वास्ते प्रोसैस है, ता कि तुहाडा जिहड़ा इनटेक मिस ना होवे। तुसीं फस्ट स्टेज देखो, वीज़ा की दो स्टेज करती है, पहली स्टेज जी ये 90% चीज़ा तो कवर हो जाए है अप्रूवल इन प्रिंसीपल, जो अप्रूवल इन प्रिंसीपल आ गई तो तुम अपनी ऑनलाइन क्लासेज जो स्टार्ट कर पाओगे। सो दूजी स्टेज की होएगी, दूजी स्टेज होएगा कि जदों भी बायोमैट्रिक खुलते हैं तो तुम कंप्लीट फाइल करनी है अपनी, मीन टू से कि बायोमैट्रिक तो बिना तुम्हारी फाइल कंप्लीट नहीं हो सकती। सो जो मैडिकल जिन्होंने कह लो तुम पहला हूँ उदा फाइल लगा सकते हो, सो मैडिकल हो गया, बायोमैट्रिक वगैरह हो गए, सो यीज़ा जिथे जिथे भी पीसीसी की रिक्वायरमेंट है, अगर आप गल करते वैसे बहुत ज़्यादा यदि नीड नहीं पेगी। सो क्रिमिनल बैकग्राउंड जो चैक होंगे उन्होंने करने होंगे ने, सो वाली चीज़ें सारिया चैक करके फाइनल जो अप्रूवल लैटर आएगा उस लैटर ना तुसी ट्रैवल कर पाओगे। सो इतने कन्फ्यूज नहीं होना, जी ए आई पी है अप्रूवल इन प्रिंसीपल है, वो सिर्फ तुहानू क्लासेस स्टार्ट करन दी अलाउ करेगा, तुसी उस कंट्री से ट्रैवल नहीं कर सकते, कदों तक नहीं कर सकते जब तक तुसी फाइनल स्टेज कंप्लीट करके अपना अप्रूवल लैटर वीज़ा का नहीं लै लेंदे, उदों तक तुसी जिहड़ा ट्रैवल नहीं कर पाते। वो चीज़ें जुड़िया हुई ने वी एफ एस ग्लोबल की वर्किंग ना। सो हुण नवीं डिवेलपमेंट तो ये चीज़ें क्लीयर हो चुकिया ने कि वी एफ एस ग्लोबल कैनेडा का अजे स्टार्ट होने की उम्मीद नहीं हैगी। सो क्योंकि जे स्टार्ट होने की उम्मीद होंगी तो हाई कमीशन इदा के पॉलिसी लियाने की लड़ नहीं पैनी सी, उन्होंने पता है कि इंडियन सिचुएशन के हिसाब से कोविड 19 सिचुएशन करके वह चीज़ों स्टार्ट शायद नहीं कर पाएंगे। 30 सितंबर तक चांसिज है कि हाई कमीशन जो वह अपने बायोमैट्रिक वास्ते सर्विस जी है वी एफ एस ग्लोबल की स्टार्ट नहीं करवाएगा, सो इसलिए उन्होंने अल्टरनेटिव ऑप्शन तुम्हें प्रोवाइड किया। सो जिन्हों दोस्तों की फाइल्स इतने लगिया हुई ने जिन्हों के रिजल्ट वेटिंग ने बायोमैट्रिक नहीं हुए, सो अपने लॉगिन वगैरह चैक करते रहना। आने वाले टाइम के देखो तुम अप्रूवल इन प्रिंसीपल जिहड़ा लैटर है वो आ सकता जिहदे बिहाफ ते तुसीं क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। इत्थे हुण एक मेन क्वेश्चन आता दोस्तों का, एक क्वेश्चन आएगा कि जे साडा ए आई पी तो बाद असीं क्लासां शुरू कर लैंदे आ साडा वीज़ा बाद जिहड़ा फाइनल, क्योंकि एम्बैसी ने गाइडलाइन क्लीयर किया है कि ये तुहाडा ट्रैवल वास्ते नहीं है क्लासेस स्टार्ट करन वास्ते, फिर साडा की होगा कि असीं जे बाद च रिफ्यूज़ हो गए फिर साडा की है इस चीज़ ते की है। देखो
90% चांसिस की है कि जिन्हों की AIP आ जाएगी वो रिफ्यूज़ नहीं होंगे। रिफ्यूज़ देखो कदों होंगे, जो चीज़ें पेंडिंग रह गई की रह गई, तुम बायोमैट्रिक देन गए, बायोमैट्रिक निकल आया कि तुम कोई उन्होंने कोई हिस्टरी हाइड की है, तुम USA कोई इलीगल एक्टिविटी या USA का कोई एप्लीकेशन लगाई से उन्होंने तो हाइड की, कैनेडा की एप्लीकेशन लगाई से, कोई फेक तरह के डॉक्यूमेंट वगैरह लगाए से जिहड़े फाइंड आउट हो गए, फिर इतने कमी थोड़े बच्चे तुम कुछ चीज़ा हाइड की। सो इस लॉस से रिसपोंसीबल तुम हो अगर थोड़ा बाद वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता। जे देखो प्रोफाइल कोई कमी नहीं आ तो 90% की है कि जिन्हों का अप्रूवल आ गया वो वीज़ा ही है एक हिसाब न, बट यह है कि उन्होंने बैकग्राउंड चैक करनी, फाइनल चैक करने ने, मैडिकल वगैरह रिक्वायरमेंट रखेंगे, अगर उस कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर देखो फिर वो तुम्हें फाइनली देखो अलाउ नहीं कर सकते उस कंट्री ट्रैवल करना। सो अप्रूवल तो ट्रैवल दो अलग अलग चीज़ें ने, पहली अप्रूवल से तुम क्लासेस जो जेन्युइन स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन्होंने वास्ते अच्छा मौका कि तुम ये चीज़ों के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर तुम जेन्युइनली ट्रैवल करना चाहते हो तो जो नॉर्मल होएगा क्योंकि सितंबर तो बाद बायोमैट्रिक स्टार्ट होने तो मान के चलो कि तुम ऑनलाइन ही क्लासेस लगाओगे सितंबर दी, इंडिया तो अप्रूवल लैन तो बाद रिजल्ट फास्ट हो जाएंगे जिन्होंने कंप्लीट फाइल है। सो कंप्लीट फाइल की डेफिनेशन मैं दस चुके हैं, उन्होंने रिजल्ट जल्दी आएंगे, जिहड़े हुण फाइलां भी लगाएंगे जिवें लगियां फाइलां भी उन्होंने भी चांसेस है कि तुहानूं जिहड़े प्रिंसीप अप्रूवल इन प्रिंसीपल आ वो पहला रिसीव हो जाएगा, तुसीं अपनी क्लासेस जिहड़ियां लगा पाओ क्योंकि बहुत से बच्चे है जिन्हों का जिहड़ा कोर्स उन्होंने ऑप्ट किया वो सिर्फ सितंबर के विच, उस तो बाद नैक्सट सितंबर के विच, उन्होंने बच्चों वास्ते भी एक अच्छा ऑप्शन हैगा। सो बाकी डिसीजन तुहाडा है कि अगर तुसीं ऑनलाइन क्लासां लगाना चाहते हो तो इस प्रोसैस के नाल तुहानूं आसानी होएगी, तुहाडी स्टडी वेस्ट नहीं होएगी, तुहाडा टाइम वेस्ट नहीं होएगा क्योंकि कैनेडा ने ऑलरेडी चीज़ा क्लीयर करते हैं कि जिहड़े भी बच्चे 50% तक स्टडी अपनी ऑनलाइन कर सकते हैं तां वी तुहानूं जिहड़ा पोस्ट स्टडी वर्क राइड ने वो उत्थे मिलेंगे। सो अगर तुहाडा कोर्स वगैरह जिहड़ा 2 साल का हैगा तां कोई घबराने की लड़ नहीं हैगी, तुम 6 महीने अगर इतने भी पढ़ते हो तो तुम्हें कोई उस लॉस सामने नहीं आता। सो दोस्तों उम्मीद करता कि इनफॉर्मेशन तुम्हें जी वी लगी होएगी। सो आने वाले टाइम से होर भी जो नवी अपडेट आती वो तुहाडे नाल शेयर की जाएगी। सो अज्जे दी इजाजत मिलते हैं किसी नवी वीडियो के, धन्यवाद जी।